करते हुए मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सर्कस में जाते हैं, और जो सर्कस दिखाने आप बच्चों को आए हैं, बच्चों के लिए अलग से शो लगा है कि स्कूल के बच्चे हैं, आप कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? हाँ ठीक है, हम सभी जो है CLDAV स्कूल सेक्टर 11 पंचकूला से हैं, और क्लास प्री नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के अप्रॉक्सीमेटली 900 बच्चा जो है हमारे साथ आ जाएगा, और वी आर रियली एंजॉइंग, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हमने अगर पर्सनल लेवल पे सोचा होता तो शायद हम नहीं देखने आते, पर स्कूल की तरफ से अब आए हैं तो वी आर रियली एंजॉइंग इट। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जो इनकी काबिल तारीफ है बैलेंस, देयर बैलेंस एंड एज वेल एज देयर कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ माइंड, दैट इज रियली अमेजिंग। थोड़ा हिंदी में अगर चाहेंगे सी हम इनके बोल सकते हैं। कलाकारों की गाने के अनुसार वेद नवाज है, बहुत अच्छी खूबी से पूरे तत्व युवा हैं, और हमारे बच्चे इतनी क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं ना कि शायद हम अपने स्कूल में इतना ऐसा आनंद बच्चों में कभी पाया। शुड बी प्रमोटेड, हम ये चाहेंगे कि जो ये कलाकार हमारे हैं ऐसा इनको मौका और मिलना चाहिए लाइफ में और ज़्यादा, ठीक है। शायद हम लोग अगर स्कूल की तरफ से नहीं आते तो इनकी जो अमेजिंग टैलेंट है वो कभी हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, लेकिन आज यहाँ आने के बाद पता लगा है कि कितनी बखूबी से अपना ये काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली वर्थ एप्रिशिएट। हम चाहेंगे कि पंचकूला के सभी निवासी इस सर्कस को देखेंगे जरूर, हाँ, और देखकर जाएंगे तो उनको लगेगा कि हमने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया, हमने कुछ कमाया है। आज आप सर्कस देखने आए हैं, कैसा अनुभव रहा आपका सर्कस देखने? बहुत अच्छा अनुभव रहा, मतलब स्कूल का टाइम अभी शुरू ही हुआ है कोविड के बाद, और अभी ही लिटरली एक इतना अच्छा इवेंट देखने को मिला, तो इतना देखा जाता है कि बच्चे सर्कस देखना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर मोबाइल्स में ही गुम रहते हैं, मोबाइल्स में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को बस यही कहना है कि जब तक आप खोल के नहीं देखोगे, आपने मोबाइल से उठा के नहीं देखोगे, तब तक अपने हमारे सराउंडिंग्स में भी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दी सर्कस इन सेल, तो जब तक उठा के नहीं देखोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा, तो आपका ही लॉस होगा।